तो खबर आ गई है पिच के सेंटर से कि सैयद नासिर जो एसएमएस ग्रुप के, उन्होंने टॉस जीता है और उनकी टीम पहले बैटिंग कर रही है। तो पहली बॉल इस नए मैच की, नासिर ऑन स्ट्राइक, डॉट बॉल होगी, ये बॉल को जाने दिया, और ऊंचा शॉट खेले कारी अहमदुल्ला, अच्छा मौका है उसाका के पास और ये मौका गवाया नहीं, कारी अहमदुल्ला की विकेट लेने में कामयाब। आपके फेवरेट कारी अहमदुल्ला, अभी कल ही हमने उनसे बात की थी और पहली बॉल में ही आउट होकर चले गए, विकेट उन्होंने कवर की जैसे कल बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर मिस टाइम किया, हाइट हासिल की लेकिन डिस्टेंस नहीं ले पाए। एक अच्छा कैच, अच्छा हाई कैच, एंड वंस अगेन सुपर्ब कैमरा वर्क, और कॉट बिहाइंड, आउट होकर वापस जाते हुए नासिर। थोड़ा ऊंचा कैच था उनके सर के ऊपर से, ये देखें हेल्दी आउटसाइड एज फ्लैश करने गए थे और बहुत उम्दा कैच, लंबे कद के हैं लेकिन अच्छी एंटिसिपेशन, ऊंचा शॉट और छह रन, छक्का, यही जरूरत थी एसएमएस जिमखाना को। ये हुई ना बात, ये बड़ा कमाल का शॉट लगा और साथ ही ऑस्टम गेंद थी और परफेक्टली अपने आर्म्स को स्विंग किया। सराय ज़रूर रखते हैं इमरान और कनेक्शन नहीं हासिल कर पा रहे थे, यहाँ पे बहुत उम्दा शॉट, थोड़ा नीचे ज़रूर लगा लेकिन चांस हो सकता है और आउट, सॉफ्ट डिसमिसल और विकेट कीपर का एक और कैच और विकेट्स जो हैं वो एक के बाद एक गिरती जा रही है, तीन आउट हो चुके हैं और अभी दो ओवर्स भी कम्प्लीट नहीं हुए। बदकिस्मती ऐसे में जिमखाना की कि इमरान जिस वक्त फॉर्म में नज़र आए, जिस वक्त उन्होंने हाथ खोले उसी वक्त वो आउट हो गए, ऐसा इससे पहले भी हो चुका है इनके साथ इस इनिंग में। अच्छा कैच, ये छक्का उनकी मुश्किलात को कम कर सकता है अगर ये छक्का हुआ तो, और कैच बाउंड्री लाइन पर कैच, बहुत ही उम्दा कैच, एक दफ़ा फिर तीन फील्डर जो कन्वर्ज हो रहे थे यहाँ पर और जगलिंग कैच था, दो दफ़ा कैच ड्रॉप हुआ लेकिन बॉल नज़रें जो हैं वो बॉल पर रखी, ये देखें बहुत अच्छी हाइट, जज करते गए, कैमरा वर्क का कैमरा वर्क बड़ा शानदार और तीन फील्डर आ रहे थे क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत क्लियर थी, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम पर कैच कम्प्लीट किया। शॉट आखिरकार लगा डाला है इस बार इस लेग स्टंप की जानिब दानियाल कायम खानी ने और लगता है वो तमाम बातें सुन ली हैं। दानिश छक्का लगा दिया दानियाल ने बहुत देर बाद, जी हाँ अच्छा छक्का लगाया। आखिरकार एक्सीलेंट सिक्स, कमाल का छक्का यहां पर लगाया है, बॉल चेहरे की जानिब था और बिल्कुल स्क्वायर लेग की जानिब शॉट खेला, ऑलमोस्ट इनके चेहरे पर ये गेंद आ रहा था कि जहां से हमने देखा पिक किया इन्होंने। एक बार फिर गेंद फिजाओं से बात करती हुई दानियाल कायम खानी ने, लगता है वो तमाम बातें सुन ली और उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है, लाठी चार्ज किया है, जिस ओवर का इंतजार था उस ओवर को समेट डाला है इस बार दानियाल कायम खानी ने। वैसे दानियाल मैं सोचता हूँ कभी कभी ये बॉल फिजाओं से क्या बात करती होगी। शॉट टकेन ओवर द मिड ऑन की जानिब, यहां पर शॉट लगाया है, जालियों से गेंद टकराई है, दिस इज दानियाल कायम खानी ऑन फायर। यहां पर आमिर को आड़े हाथों लिया है दानियाल कायम खानी ने और अब के बार चौथा छक्का अब तक लगा दिया है इन आठ गेंदों के दरमियान, जबरदस्त मिड ऑन की जानिब, क्या कनेक्शन है तालमेल के साथ बैट को यहां पर। Once again, this is दानियाल कायम खानी, यहाँ पर आमिर को बिल्कुल झिंझोर डाला है, 4.3 ओवर और ये कोरंगी किंग्स के ऑनर और एसएमएस जिमखाना के ऑनर जावेद अली पर मौजूद। इस बार स्मैश किया एक बार फिर और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को इस बार क्लियर करने में कामयाब रहे 6 रन के लिए।
जबरदस्त छक्का यहाँ पर, शॉट यहाँ पर, स्ट्राइक देंगे यकीनन और अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। जी हाँ, बड़े अच्छी यहाँ पर कोशिश की और कामयाब भी रहे उसमें रन आउट करने के लिए, और अब बैट्समैन को मजबूर किया कि उनको वापस जाना होगा। पहले से अंदाज़ा था कि यहाँ पर बैट्समैन जो है रन लेने के लिए भागेंगे, बॉडी पर गेंद लगा था, लेकिन उतनी अच्छी कोशिश और उसमें कामयाबी भी इनको मिली है। शॉट यहाँ पर लगा दिया है, इस बार बहुत देर तक गेंद हवा में रहा और बाउंड्री को क्लियर किया। जी हाँ, शॉट बहुत ही ऊंचा था, बहुत ऊंचा शॉट था, लेकिन हमने देखा कि 6 रन बहरहाल हासिल हो गए इस शॉट पे। काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा छक्का तो नहीं था, लेकिन 6 रन होने के लिए इतना काफ़ी है कि गेंद बाउंड्री से बाहर जाए, और वो पहुंचाने में ज़रूर कामयाब रहे हैं। बड़ी हुवत के साथ ये शॉट खेला था। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, रन आउट हो गए हैं यहाँ पर जबीउल्लाह, जबकि छक्का लगा दिया था उसके बाद भी यहाँ पर आसिफ स्ट्राइक लेने के लिए जा रहे थे, मगर जबीउल्लाह अपनी जगह पे कायम दायम रहे, जिसकी वजह से आसिफ की सूरत में नुकसान उठाना पड़ा। अंपायर ने वाइड बॉल दी है, वाइड बॉल दिया। एक बार फिर बॉल हवा में है, देखना पड़ेगा गेंद बाउंड्री को क्लियर करती है या नहीं। यकीनन दूसरा रन भी बनेगा इस बार। जी जनाब, कुल मिलाकर स्कोर हुआ है यहाँ पर यकीनी तौर पर, और ये दानियल पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ इतने हमने देखा कि रनआउट जो है वो हुए हैं, 3 रनआउट हमने देखा कि यहाँ पर हो गए हैं इस मैच में, और ये काफ़ी देर तक हमने देखा कि बॉल जो था वो हवा में रहा था, और उसके बाद इस फाइनली ये कैच हो नहीं सका। तो आप ये कह रहे थे उस वक्त के 40 से 42 रन हो सकते हैं। बहुत अच्छा गोल और बोल्ड कर दिया चारजा को, बहुत अच्छी लेंथ पर बॉल। दूसरे ओवर की पहली गेंद, तेज शॉट खेला है, गेंद हवा में है, देखना होगा कि फील्डर नीचे और कैच आउट, तो दूसरा नुकसान क्रिको क्लब को। यकीनन ये छक्का होगा क्योंकि बॉल कहीं नेट से जाकर टकराई। और ये मिला के दिया है राइट ऑफ द मिडिल, बॉल के घरों के पास। वाओ, व्हाट अ स्ट्राइक, जबरदस्त बॉल और बैट का मिलाप, और जो आवाज आई थी बैट से उसी से लगता था कि गेंद बाहर जाएगा। क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में एक पाकिस्तान के लिए खास नाम बोल्ड हुए हैं। बेल काफी देर से गिरा, ये जज करने की बात थी कि शायद हिट विकेट हुए हैं। बड़े शॉट के लिए गए, कनेक्शन हासिल किया और आउट, बहुत अच्छा कैच आउटफील्ड में, दाएं जा रहे मोड़े फील्डर और कैच मुकम्मल किया, बल्ले पे सही आई नहीं, गैप भी नहीं ढूंढ पाए, और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा। फैसल है आउट होने वाले बैट्समैन। जी
वंस अगेन एक बार फिर गेंद प्रवास कर रही है हवा में, देखना होगा। व्हाट अ ट्रेमेंडस कैच यहां पर, अच्छा कैच लिया है कप्तान सैयद नासिर ने। यहां पर तीन लोग, कारी हमीदुल्ला, उमर चार सद्दा, सब लोग कैच के लिए आए थे मगर यहां पर कामयाबी हासिल की। एक दफा रिप्ले देखिए। जबरदस्त शॉट जरूर खेला गैप में और चार रन यहां पर हासिल किए। बिल्कुल यहां पर शायकीने क्रिकेट राशिद आलम। व्हाट अ सिक्स, छक्का लॉन्च किया है इस बार तमाशाइयों के बीच। सुपर बॉल को यकीनी तौर पर एक से दो रन्स में शुमार किया और यहां पर मैच खत्म हुआ। बखूबी ये मैच खुशी से चेहरे तमतमाते हुए इस बार।